अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर। एक बार x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है एंड y इज इक्वल टू कह रहे हैं 10 है और x की वैल्यू क्या है 2 है। तो उसके बाद नीचे पहला जो पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, देन इक्वेशन 2 में भी क्या कुछ फाइंड करना है, देन 3 में भी फाइंड करना है। अभी देखिए डायरेक्ट और इनवर्स का जो रिलेशन है वो ऑलरेडी जो इस एक्सरसाइज में शुरू के क्वेश्चन अगर आपने देखे हो तो उनमें ये चीज में एक्सप्लेन कर चुका हूं। थोड़ा सा यहां पर स्टार्ट से एक मैं थोड़ा व्यू दे देता हूं इसका। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाए। यानी अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दी थी कि हम 1 kg शुगर जो है वो 100 की लेते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हमें 2 kg शुगर दे दो, तो 1 kg 100 की है तो 2 kg 200 की होगी, और अगर आप 1/2 kg लेते हैं फिर आपको 50 rupees देने पड़ेंगे। तो क्या है कि अगर मैस आप कम कर रहे हैं तो प्राइस कम हो रही है, मैस बढ़ा रहे हैं तो जो प्राइस है वो बढ़ रही है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक चीज़ की वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए तो उसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, या एक को कम करने से दूसरी कम हो जाए तो वो डायरेक्ट रिलेशन। इन दोनों सूत्रों में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हम ये लिखते हैं कि वाई और एक्स दरमियान में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पुट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये करते हैं कि पहले स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो हटाएंगे और कांस्टेंट बनाएंगे। अब ये हमारे पास ए क्या है, कांस्टेंट है। अब हम सबसे पहले हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो पहले आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो उससे अगला स्टेप ये होता है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी काम होता है। पहले स्टेप में हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड होगी, क्योंकि इसमें टोटल हमारे पास 2 वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, वाई और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल उसे दिए हुए हैं, दोनों वेरिएबल की हेल्प से हम के फाइंड करेंगे। y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, 10k हमने फाइंड करना है और x की जगह x की वैल्यू पॉइंट पुट कर देंगे, दैट इज 2। 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k, ये 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, 2 5 से 10, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई। यहां तक हो गया। अब उसने कहा था कि नंबर 1 में इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट इज कनेक्टिंग x टू y, कनेक्टिंग x टू y जो है वो सिंपल आपने सादा अल्फाज में लिया कि यही इक्वेशन आपने लिखनी है। आपने सिर्फ क्या करना है, k की जगह जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, इसलिए इक्वेशन में 1 कह दे। तो इस पर इक्वेशन में आपने k की वैल्यू जो कांस्टेंट किया वो पुट कर देना है, तो यही हमारे पास इक्वेशन बनेगी, दैट इज कनेक्टिंग x टू y। नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ y x 10। अब वो नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड क्या करें, y कह रहा है कि y को फाइंड करो, x की वैल्यू कह रहा है कि जी अगर 10 है, एक्स की वैल्यू 10, तो के के को में पता है के 5 है, अगेन फ्रॉम 1 हम इक्वल नंबर 1 ले लेंगे, दैट इज वाई इज इक्वल टू के एक्स। अब वाई की जगह हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, वाई हम डिफाइन करेंगे, के की जगह हम देखो 5 लिखेंगे और एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 10। तो वाई इज इक्वल टू 10 5 सर क्या हो जाएगा, 50। ये 50 हो गया। अब हमारे पास ये 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि the value of x y 60, के x को फाइंड करो, y की वैल्यू 60 में मैं रख दे दो, अगर y की वैल्यू 60 दे दो तो मेरे कह रहा है कि बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो दूसरा हमारे पास क्या है, के हमारे पास कांस्टेंट है वो 5 है, हम इसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन ले लेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू के एक्स, y की जगह क्या पुट करो 60, के की जगह क्या पुट करें जी 5, और x जो ये जो x है x को हमने फाइंड करना है x इसी तरह है। अब ये जो 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इधर बच जाएगा जी x। तो 5 12 से 60, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट थे अच्छी था, तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ आ गया होगा वीडियो को पास करके या फिर इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, हम ऐसा करते हैं कि इसका पार्ट जो दूसरा है वो करते हैं। ये पार्ट क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस नोट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसके बाद चलिए ये जगह है इसमें हम 2 भी कर लेंगे।
इसमें क्वेश्चन नंबर टू है। अब जो क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगेन वही एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, पुट कर दें y की जगह देखो 5 k हमने फाइंड करा और x की जगह 2 तो y की x k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाय 2। तो जैसे कि मैंने शुरू के क्वेश्चन में कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिलेशन फाइंड करेंगे किसका x दूसरा कांस्टेंट फाइंड करेंगे, क्यों कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हमें गिवन है, ये दोनों वेरिएबल गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है जो इस पूरे रिलेशन में कांस्टेंट है वो हमने फाइंड करना है, कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप क्या करें जी फाइंड y करें x है हमारे, कह रहा है कि फाइंड y फाइंड करें और x कह रहा है सेवन दे देते हो, ठीक है जी। अब यानी कि उसने वैल्यू चेंज कर दी ना, इधर उसने y की 5 दी थी और x की 2 दी, अब कह रहा है x की जगह अगर 2 है 2 की जगह में 7 कर दो तो मेरा y कैसे चेंज होगा। तो देखें हम यही कोई मान है हमारे पास, हम आगे लिखेंगे फ्रॉम हम क्या है y, y हमने क्या करना है फाइंड करना है, इसलिए y एज इट इज आ जाएगा, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाते हैं आगे क्या k, k की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 5 बाय 2 ये 5 है, क्या है 5 बाय 2 और x, x की जगह हमने क्या पुट करना है 7, उसे हमें क्या लेंगे 7। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 5 7 सर 35 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 17.5 आ जाएगा, ठीक है 17.5 कैसे 35 को डिवाइड करते हैं तो इस तरह हमारे पास ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है प्रैक्टिस नंबर 2, उसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर लिए, वीडियो को पास करें और ले लें इसका स्क्रीनशॉट, जब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये उसने हमें दे दिया एक टेबल दे दिया और उसमें हमें क्या कह रहा है गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू kx हो जाएगा, ऐसे को ये मान क्या देंगे कह रहा है कंप्लीट कर देगा। अच्छा इसमें क्या है कि जैसे मैंने शुरू के क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे जो है ना k फाइंड करोगे, अगर k फाइंड करना है तो आपके पास ये दो वेरिएबल यानी y और x दोनों जो वेरिएबल है ये आपके पास होने चाहिए। अब ये देखो इस वाले में देखें इधर x है y भी है इधर दोनों है, इधर हमारे पास क्या है नहीं सके हमारे पास क्या है कि जी 7 और 4 5 7 और इसके आगे 2 वैल्यू थोड़ी सी मिस हो गई है, ये है 30 के बाद हमारे पास यहाँ 48 है, यहाँ 48 है और यहाँ क्या है 57 है, कोई मेरे को भी दो कैसे बन गए। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू इधर है और y की वैल्यू, ये दो वैल्यू हम लेंगे क्यों, बाकी जितने भी हैं यहाँ x है y नहीं है, x है y नहीं, यहाँ दोनों में y है x नहीं है, क्योंकि हमें x और y दोनों वेरिएबल चाहिए कांस्टेंट के लिए, तो इसलिए हम x क्या ले लेंगे x हमारे पास 5 है y हमारे पास क्या है 30 है। हमेशा आपने टेबल में से वो दो वैल्यू लेनी है जो ऑलरेडी गिवन है, x की भी वैल्यू और y की भी, यहाँ दोनों गिवन थी इसलिए हम गिवन दो वैल्यू लेंगे, इस इनको लेने का ये मकसद है कि हमारे पास कांस्टेंट के आ जाएगा, जबकि आ जाएगा तो बाकी फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब देखो y की जगह 30 पुट किया के इसी तरह और x की जगह 5 30 ये 5 उधर मल्टीप्लाई हुआ इधर आके डिवाइड हो गया के आ गया 5 6 30 तो k इज इक्वल टू क्या आ गया ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम ये वाली वैल्यू लेंगे x हमने क्या करना है कि 4 दिया हुआ y हमने फाइंड करना है और k हमारे पास 6 है फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन 1 को आप ले लें y फाइंड करने वाले वैसे रहने दें आगे इक्वल k की जगह क्या पुट करें 6 ये देखो k था k की जगह 6 पुट किया आगे क्या है x की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 यहां लिख दें 24। नेक्स्ट हमारे पास क्या है x की वैल्यू कितनी है जी 7 है y हमने फाइंड करना है और k हमारे पास 6 है फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा लिख भी देता हूं y इज इक्वल टू kx y हमने फाइंड करना है y एज इट इज क्या है k है k की वैल्यू 6 है 6 पुट कर दो मल्टीप्लाई है x की वैल्यू 7 है तो y इज इक्वल टू 7 6 42 मैं यहां पर लिखूंगा जी 42। नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास y की वैल्यू कितनी है जी 48 है x हमने फाइंड करना है k
तो ये हमारे पास 6 है, ठीक है। ये देखिए y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने ऐसे करने के। अब फ्रॉम वन अगेन हम इसे करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई है, दैट इज y इज इक्वल टू kx y, y हमें गिवन है दैट इज 48 पुट कर दो k, ये हमारे पास गिवन है 6 और x हमने फाइंड करना है, x इसी तरह रह जाएगा। अब क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 6 फॉल एक्स्ट्रा की मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा x, तो 6 8 48, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखो हमने 8 लिख दिया, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 57 है और x हमने फाइंड करना है कि हमारे पास क्या है 6 है, तो फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू kx, y हमारे पास कितना है 57, ये देखो फिर y कितना 57 लिख दिया, आगे इक्वल का साइन ऐसे चला गया, k की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 लिख दिया, x हमने फाइंड करना है, तो 57 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू x। तो अब हमारे पास कितना है 57 और 6 इज इक्वल टू x, तो हमने क्या करें 57 को हम सिंपल डिवाइड कर लेते हैं 6 से, 6 9 = 54 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 3 ऊपर पॉइंट नीचे 0, 6 5 = 30, तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गया 9.5। उसने कहा था कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब वो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना वो सी है, सी है कह रहे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के, यानी डी क्या है डिस्टेंस है, तो कॉस्ट एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप इस आप चाहें तो गिवन लिख सकते हैं ऊपर आपने एक सेंटेंस, गिवन दैट कॉस्ट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डी, therefore c directly proportional to d, ये c cost of transportation को जाहिर कर रहा है और represent कर रहा है, और d जो है वो distance को represent कर रहा है, दरमियान में जो sign है वो sign of proportionality है, तो जब भी हम sign of proportionality हटाते हैं तो क्या लगाते हैं constant k लगाते हैं और इसको equation हम 1 कह देते हैं। अब वो कह रहा है जो cost है वो $100 है और जो distance है वो 60 किलोमीटर है। अब अगर 60 किलोमीटर के लिए the cost of transporting goods over a distance of 60 km is $100, कि अगर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको $100 पे करने पड़ते हैं। तो अब हम यही वाली वैल्यू सी और डी की इसमें पुट करके क्या निकालेंगे, के की वैल्यू यानी कांस्टेंट निकालेंगे, तो देखो हमारे पास सी की जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और के एज इट इज आ जाएगा, डी की जगह क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 100 और ये 60 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और इधर k बन जाएगा, 0 को 0 से कैंसिल कर दे, ऊपर 5 10 बचा, नीचे 6 बचा, 2 के टेबल से 2 5 से 10 और 2 3 से 6, तो k is equal to 5 by 3 आ गया, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5 by 3 आ गई है। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने फर्दर क्या करने के लिए इसको ना मैं पुट कर देना, आप जो हमसे पूछा हुआ ना पहले इक्वेशन कनेक्टिंग सी एंड डी, पहले जो इक्वेशन कनेक्टिंग सी एंड डी वो आपको बताना है, तो सी इज इक्वल टू के, के की जगह हमने क्या पुट करना है 5 by 3, के की जगह हमारे पास क्या आ गया 5 by 3 और डी हमारे पास एज इट इज आ गया, ये हमारे पास आंसर 1 का आंसर है। अब हमने निकालना है आंसर निकालना है 2 का। अब जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, हम इसमें फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, हमने क्या करनी है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, हमने क्या करनी है सी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सी हमने क्या करनी है जी फाइंड करनी है, और डिस्टेंस जो है वो उसने हमें बता दी है डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी जो है वो उसने हमें बता दी, कितना बता दिया जी 45 किलोमीटर बता दिया, और के हमें पता है के इज इक्वल टू कितना है 5 बाय 3 है फ्रॉम 1, हमने क्या करना है इक्वेशन 1 को ले लेना है, ये देखिए सी हमें फाइंड करना है, सी इसी तरह आ जाएगा, के के की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 5 बाय 3, के की जगह 5 बाय 3 पुट कर, डी डी उसने हमें दे दिया 45 दे दिया, तो 3 का टेबल 45 पे 3 आंसर 3 5 15, 3 का टेबल 45 पे कितनी दफा जाता है 15 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 सी इज इक्वल टू $75, तो कॉस्ट ऑफ 45 किलोमीटर इज $75, के जो 75 किलोमीटर अगर डिस्टेंस होगा तो उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा $75, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी 2 हो गया, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड आपको 45 किलोमीटर 45 $75।
अब हमने अगला जो फाइंड करना है उस क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट थ्री है उसमें उसने हमें दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड है उसने हमें दे दिया है 120 है। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम नेक्स्ट जो है इधर जा दें। अच्छा सर कि हम यहाँ पर ही इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसी में। अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड जो है ना वो डॉलर 120 उसने हमें 120 दे दी। डिस्टेंस डी जो है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। कोई इसी तरह आ जाएगी हमारे पास फ्रॉम वन देखेंगे फ्रॉम वन सी इज इक्वल टू के डी। सी की वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी है 120। ये देखो सी की वैल्यू उसने हमें 120 दे दी। के की वैल्यू 5/3 है। डी हमने फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू डी। ये 5/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जब इस तरफ जाएगा तो यू फ्लिप हो जाएगा उलट जाएगा नीचे वाला नंबर ऊपर ऊपर वाला नंबर नीचे आएगा। तो अब हमने क्या करना है जी 5 के टेबल से कैंसिल करना है 5 2 10 और 5 4 20 तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी डी इज इक्वल टू 42 24 3 72 किलोमीटर। तो हमें अगर 120 डॉलर के होंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी 72 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ कवर्ड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। तो ये हमारे पास हो गया जी तीसरा पार्ट में। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। वीडियो को पास करके उतार लें क्योंकि चौथा पार्ट ग्राफ है। आप ग्राफ पेपर बेशक वीडियो को पास करें ग्राफ पेपर निकाल लें मैं आपको बोर्ड भी समझाऊंगा अब आसानी से ग्राफ ड्रा कर लें। अच्छा अब हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसे में है देखना। ये मेरे पास x एक्सिस है ये मेरे पास इसका क्या है y एक्सिस है ठीक है। अब हमने इससे पहले स्केल ड्रा कर रहे थे 5 small box = 1 मैं यहाँ देखता हूँ x एक्सिस 5 small box = 1 ऑन y एक्सिस 5 small boxes = 2 कह रहे ठीक है 5 small boxes = 2। आप ग्राफ पेपर पेपर देखें तो छोटे छोटे इस तरह के डब्बे बने होंगे ऐसे 2 3 4 5 इस तरह बने होंगे इसी तरह 2 3 4 5। तो इस तरफ जो 5 small boxes है ना उस वाली लाइन को 1 हो गए नेक्स्ट 5 को 2 हो गए नेक्स्ट 5 को 3 हो गए नेक्स्ट 5 को 4 हो गए नेक्स्ट 5 को 5 एंड सो इसी तरह इधर 2 को हो गए नेक्स्ट 5 को 4 को हो गए नेक्स्ट 5 को 6 को हो गए नेक्स्ट 5 को 8 को हो गए। ये आपका x एक्सिस है ये आपका y एक्सिस है। तो हमने क्या कहा कि जो x एक्सिस है हमारा उसमें हमने 5 बॉक्सेस को 1 कहना है और y एक्सिस में 5 बॉक्सेस को हमने क्या करना है 2 कहना है। तो ये अगर आप अपने नोटबुक अगर आपने आपके सामने रखी हुई है तो आप देखें क्या आप कहीं भी आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप वहां पर ये इस तरह की लाइन लगा दें ग्राफ पेपर के ऊपर कहीं भी लगा दें स्ट्रेट लाइन इसको x एक्सिस कह रहे हैं इसको y एक्सिस कह रहे हो। तो इसके साथ इंशाल्लाह एक पिक्चर भी मैं ग्राफ की जो है दे दूंगा वो भी आपको इंशाल्लाह एक साथ नजर आएगी प्रॉपर ग्राफ ड्रा हुआ होगा तो वो भी आपको समझने में आसानी होगी अदरवाइज आप खुद भी ड्रा कर लें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा इसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी ना इसकी जो पॉइंट हम ड्रा करेंगे वो हमारे पास 3 और जो 5 है ना वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है। अब हमारे पास 3 और 5 कैसे हैं मुझे भी आप एक्सप्लेन कर दो। 3 और 5 में हमारे पास पॉइंट बनेंगे कैसे बनेंगे वो मैं बता दूँ कि सी की वैल्यू मेरे पास उसने कितनी दे दी 100 दे दी और डी की वैल्यू उसने हमें क्या दे दी है 60 दे दी ठीक है। अब मेरे पास जो पॉइंट बनेंगे मैं वो बता रहा हूँ कौन कौन से बनेंगे। एक जो मेरे पास पॉइंट ए बनेगा दैट इज 0 0 बनेगा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँ। पॉइंट डी जो है वो मेरे पास कितना बनेगा 3 और 5 बनेगा 3 और 5 बनेगा। अच्छा अब मेरे पास 3 और 5 बनेगा। अब जो 3 और 5 किस तरह बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अब ये मेरे पास 100 है ना और ये मेरे पास 60 है ये वाला 0 0 से कैंसिल कर दो तो मेरे पास 10:6 बचेगा। अब 2 के टेबल से कैंसिल कर दो 2 का टेबल कितना हो जाएगा 5 10 और 2 का टेबल इसमें कितनी दफा जाता है 6 10 तो मेरे पास इस तरह 5 और जो
थ्री और फाइव, मानी यहाँ मुझे ठीक है थ्री और फाइव। x की वैल्यू मेरे पास क्या है, थ्री है, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, फाइव है। अब थ्री जो है वो मेरे पास d आया, क्योंकि इस तरफ जो है वो मेरा पास डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर की शक्ल में है, और इस तरफ मेरे पास कॉस्ट है c है जो कि डॉलर की शक्ल में है। आप इसी तरह लगाना है, इधर d लिख के km लिख देना है कि डिस्टेंस किलोमीटर में है, इस तरफ डिस्टेंस है और इस तरफ मेरे पास इसकी क्या है, कॉस्ट है। क्यों, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कॉस्ट बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस कम होगा कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो अब ये दो पॉइंट मैंने ग्राफ के ऊपर रखा है, तो ये देखो मेरे पास ये तो 0 0 3 बन जाएगा, इसका कोई मसला नहीं। अब ये जो 3 और 5 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो देखिए x की वैल्यू 3 यहां पर बनती है, y की वैल्यू जो है वो 5 कहां बनेगी, ये देखो 4 है और ये मेरे पास क्या है, 6 है। तो 4 और 6 के बिल्कुल मिडल में मेरे पास क्या बनेगी, 5 आएगा। तो इधर से आपने बिल्कुल ऐसे इस तरफ आना है और इधर से आपने इस तरह ऊपर को जाना है। जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो आपका क्या होगा, असल में पॉइंट होगा। और कौन सा पॉइंट होगा, 3 और 5 होगा, और ये वाला आपके पास 0 और 0 होगा। तो चाहे तो बेशक आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, इस तरह लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा।